So hello guys, welcome back to Make Him Unfurled. My name is Abdullah और आज का टॉपिक है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे हमें लेजी बनाता है। आप सोच रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम कैसे लेजी बनाता है, वो इसलिए कि हम लेजी क्यों होते हैं। हम सारे उन कामों में लेजी होते हैं जिनमें हमारा दिल नहीं लगता, दिलचस्पी नहीं है, या हम उन कामों में भी लेजी होते हैं जिसमें हमें यह लगता है कि ये छोटा सा काम करने से क्या होगा। अगर मैं ये छोटा सा स्टेप ले लूंगा तो कौन सा बड़ा चेंज आ जाएगा, या मैं एक बहुत मेहनत करूंगा, एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, एक गोल बनाऊंगा, एक विजन बनाऊंगा, या कोई डेमो बनाऊंगा, उसके बाद मैं कोई काम करूंगा। फॉर एग्जांपल वीडियो, बहुत दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए और बस मैं रोज इसी वजह से उसको पोस्टपोन करता चला जा रहा हूँ कि पहले बड़ा अच्छा सा टॉपिक डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं, वो करते हैं, कच्ची सी वीडियो बनाते हैं और ना मैं शॉर्ट्स बना पा रहा हूँ ना कोई लॉन्ग वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये किस वजह से हो रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि मेरे कोई एक्शन लेने से कोई एक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यही हमारा बिलीफ सिस्टम है, यही हमें वो सारे काम करने से रोकता है जो हमें कर लेने चाहिए। यही बिलीफ सिस्टम हमें वो छोटे छोटे स्टेप लेने से रोकता है जो अगर हम कंसिस्टेंसी से लगातार वो छोटे छोटे स्टेप लेते रहें तो हमें वो गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम हमें ये समझाता है कि छोटे छोटे स्टेप लेने से क्या होगा, रोज सुबह 15 मिनट पहले उठने से क्या होगा, रोज एक शॉर्ट वीडियो डालने से क्या होगा, या बहुत सारी कोई वीडियोज डालने से क्या हो जाएगा। ये होगा कि कुछ भी ना होगा तो कम से कम आपकी आदत तो बनेगी, आपका वो जो पुराना लाइफ सर्कल है, आपकी जो पुरानी आदतें हैं, आपकी जो बैड कंसिस्टेंसी है, आपका जो चीज़ों को इग्नोर करना है, वो तो चेंज होगा। तो इसलिए रैंडम एक्शन लेने से हमें हमारा बिलीफ सिस्टम रोकता है, क्योंकि जब भी हम बैठे हुए हमें ख्याल आता है कि यार हम कोई किताब पढ़ लेते हैं या कुछ भी पढ़ लेते हैं या कुछ कर लेते हैं या कुछ अपनी सेहत पे काम कर लेते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम हमें ये बहाने देता है कि यार कल से कर ले, कल भी तो सुबह होगी, या अब 5 मिनट में मैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर लूँगा कि मेरा जो बॉडी है वो अच्छी हो जाएगी, मैं पहले जिम की मेंबरशिप लूँगा, या मैं कल से जिम जाऊँगा, या कल से सुबह 1 घंटे पहले उठूँगा और वर्कआउट करूँगा, सो ऑन एंड सो फॉर। ऐसे ही मैं कोई किताब उठाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये किताब मेरे फिलहाल के गोल्स के लिए रिलेटेड नहीं है, तो मैं ये किताब बाद में पढ़ लूँ, और वो किताब ऐसी ही रखी रहती है। बहुत सारी हमारी किताबें ऐसी ही रखी रहती हैं कि हम जब भी उसे उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अभी तो हम करियर पे फोकस कर रहे हैं, मनी पे फोकस कर रहे हैं, पर ये किताब तो उनसे रिलेटेड ही नहीं है, तो माइंड से रिलेटेड है या साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसे पढ़ के मुझे क्या हासिल होगा। नहीं, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको उसमें कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा, और इनफैक्ट आपका जो डोपामाइन रश है, आपका जो एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमें सबको आदत पड़ी हुई है ईज में रहने की, जो हमें लेजी बनाती है, सबसे बड़ी वजह हमारी ये है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें वो छोटी छोटी चीजें चाहिए जिनसे हमें डोपामाइन मिलता रहता है। डोपामाइन, आई थिंक जिनको नहीं पता होगा वो सर्च कर सकते हैं, जितने भी हम प्लेजर की चीजें करते हैं अपनी लाइफ में, वो चाहे गाने सुनना हो, स्मोक करना हो, ड्रग्स करना हो, ड्रिंक करना हो, या कोई भी प्लेजर की चीजें करना हो, वो करके हमें वो केमिकल रिलीज होता है हमारे जहन में और हमें सेटिस्फेक्शन होती है वो। इनफैक्ट शॉर्ट्स देखने से, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से और शॉर्ट कॉन्टेंट एब्जॉर्ब करने से होता है। जितनी भी शॉर्ट प्लेजर चीजें हैं वो हमें डोपामाइन रश देती हैं, और हमारा डोपामाइन सेंटर इतना ओपन हो जाता है कि हम किसी 1 घंटे की वीडियो से, इनफैक्ट 15-20 मिनट की वीडियो से भी आलस करने लगते हैं, या किसी कंसिस्टेंसी वाले काम से जिसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमें अपने डोपामाइन सेंटर को बैलेंस करना चाहिए, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है कि हमें अपने डोपामाइन सेंटर कैसे बैलेंस करने चाहिए, कैसे हमें एडिक्शन वाली बुरी आदतों से नॉर्मलाइज कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए बाहर खुदा हाफिज़।